के लिए हाफ ले लिया, दोनों के एग्जाम के लिए बहुत सही रहेगा। सो मैं स्टार्ट करती हूँ। तो मैंने क्वेश्चन लिया है, यहाँ पर सॉल्व करते थे, 1050 अपॉन 7 इज इक्वल, ठीक क्या होता है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 21 माइनस 24 कितना है, -3। हमें डी पता चला गया, a3 निकाला, तो 2 into 3, 3 + 6 तो क्या आया, 9। तो फिर एग्जामिनेशन स्टार्ट हो चुके हैं, तो उसी के अकॉर्डिंगली मैंने मैथ्स के लिए एक चैप्टर लिया है, चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो उसी के कुछ क्वेश्चन कराऊंगी जो आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेंगे। सो मैं एक एग्जाम्पल से स्टार्ट करती हूँ जो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा और जो एग्जाम में भी आने के लिए ठीक रहेगा। ये आपके लिए हाफ ईयरली और बोर्ड दोनों के एग्जाम के लिए बहुत सही रहेगा। सो मैं स्टार्ट करती हूँ। तो मैंने क्वेश्चन लिया है, ओके, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 14 टर्म्स ऑफ एन ए पी इज 1050 एंड इट्स फर्स्ट टर्म इज 10, ओके, सो फाइंड द 20th टर्म, ओके, ये क्वेश्चन है। तो हम हमें गिवन है, जो उसको पहले हम वो लिख देते हैं, जैसे कि हियर हमें क्या दिया है, सम ऑफ nth मतलब 14 टर्म, 14 लिख देते हैं, ओके, एस 14 इज इक्वल टू 1050, ओके। देन हमें दिया है टर्म, बोली है a 14, तो हम n यूज़ करेंगे 14, और फर्स्ट टर्म दिए हमें 10। अब सम ऑफ एन टर्म का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, तो फॉर्मूला क्या है, एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ओके, और ये फॉर्मूला है। अब हम इसी के अकॉर्डिंगली वैल्यू पुट करेंगे, हम मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगी यहाँ तक एंड करूँगी। सो एस 14 है, एन रखा हमने 14, तो एस 14 इज इक्वल टू 14 अपॉन टू टू ए, क्या दिया है हमें 10, तो हमने 10 पुट किया, एंड हमें 14 दिया है एज यूजुअल। हमें डी फाइंड आउट करना है, तो डी को वैसे लिखना है, एस 14 दिया है हमें 1050, तो हमने यहाँ पर पुट कर दिया, इसकी वैल्यू आएगी 7, ये हमें मिलेगा 20, और 14 माइनस 1 13 डी, ओके। तो अब हम क्या करेंगे, इस वाले नंबर का यूज़ करके इसको डिवाइड कर देते हैं, तो हम यहाँ पर सॉल्व कर देते हैं, 1050 अपॉन 7 इज इक्वल्स टू 20 प्लस 13 डी, तो हम डिवाइड करेंगे तो आएगा 150 इज इक्वल टू 20 प्लस 13 डी। तो इधर इसको, ये वाला इधर टर्म जाएगा तो नेगेटिव में होगा, माइनस होगा, तो इसको हम लिखेंगे 13d इज इक्वल टू 150 माइनस 20d, तो 13d किसके इक्वल आएगा, 130 की, तो हमें d की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, 130 ये 13 नीचे आ जाएगा, तो हमें d मिला है 10, ये d हमें फाइंड आउट हो गया। अब हमसे पूछा है कि फाइंड द 20th टर्म, अब हमने ये सब कुछ कर लिया है, उसके बाद हम 20th टर्म निकालेंगे, तो थोड़ा सा हमें इरेज करना पड़ेगा क्योंकि हमें 20th टर्म चाहिए। अब टर्म फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। अब हमें फर्स्ट टर्म पता है 10, हमें निकालनी है टर्म ए 20, ठीक है, तो हम रखेंगे 20 माइनस वन, और डी क्या रखा है हमने, 10 आंसर आया था, तो डी हमने फाइंड आउट कर लिया। अब उसको हम पुट करेंगे, तो सॉल्व करने पे आएगा 20 माइनस 1 19, तो ये है 10 प्लस, इसको मल्टीप्लाई करने पर आएगा 190। अब हम ऐड ऑन करेंगे, तो इनको ऐड करने पर हमें 20 टर्म मिलेगी 200, सो दिस इज़ द आंसर। ये तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हुआ। अब हम करेंगे नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन, जो आपके एग्ज़ाम के पर्स्पेक्टिवली अच्छा रहेगा आपके लिए, ओके। सो हियर सेकंड क्वेश्चन,
अब आपसे पूछा है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी एपी दी हुई है 24, 21, 18 आगे तक है इसका, ठीक है, मस्ट बी टेकन सो दैट देयर सम इज 78। ये एग्ज़ाम के बोर्ड और हाफ ईयरली दोनों के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा, तो इस वजह से मैं इस क्वेश्चन को करवा रही हूँ। सो हमें जो गिवन है हम पहले वो चीज़ लिखेंगे, जैसे कि अब हमें सीरीज़ दी हुई है तो इस सीरीज़ से हम क्या निकाल सकते हैं, फर्स्ट टर्म, ये माइनस में नहीं है, मैंने ऐसे बताने के लिए किया, ठीक है, फर्स्ट टर्म दी हुई है हमें 24, ओके ए, हम ए लिखते हैं, 24 दिया हुआ है हमें, डी निकालना है, तो डी क्या होता है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 21 माइनस 24 कितना है माइनस 3, हमें डी पता चला गया, ठीक है। तो अब हमें क्या निकालना है, टर्म निकालनी है, सो हमें जो गिवन है हम उसका यूज़ करेंगे, तो हमें दिया है सम, सम ऑफ एन फॉर्मूला लिखाएंगे, तो लिखा है मैंने एन अपॉन ए टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी जो हमें गिवन है, तो हमें ये नहीं पता कि कौन सी टर्म होगी ये 78, तो हम लिख देते डायरेक्टली, पहले लिख देते 78, ठीक है, जो वैल्यू आएगी सम की वो 78 दी हुई है, हमें एन पता है नहीं, ओके, टू हमें ए दिया हुआ है कितना है 24, एन हमें पता नहीं है, अब डी दिया हुआ है माइनस 3, उसको लिख देते हैं, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये वाला इधर जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 78 इंटू टू एन, ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 एन माइनस 1 इंटू माइनस 3, अभी इसको बाद में सॉल्व आउट करेंगे, ओके ओके सैन, ये 156 इज इक्वल टू एन 48 प्लस, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो यहाँ पे आएगा माइनस में, तो माइनस 3 एन प्लस 3, अब इसको सॉल्व करेंगे 48, इसको सॉल्व करने पर ये प्लस में दोनों के दोनों है तो इनको ऐड कर लेते हैं, या 51 माइनस 3 एन आएगा, ठीक है। अब इसको पूरा कर लेते हैं कंप्लीट, 51 एन माइनस 3 एन स्क्वायर जो कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, तो इस वाले को इधर ले जाएंगे तो साइन भी चेंज हो जाएगा, 3 एन स्क्वायर माइनस 51 एन प्लस 156 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब हम इनमें 3 का कॉमन भी ले सकते हैं तो ज़्यादा हमारे लिए ज़्यादा ईजी रह जाएगा सॉल्व करना क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, तो हमने कॉमन लिया 3 तो यहाँ पर रह जाएगा एन स्क्वायर, यहाँ माइनस 17 एन और यहाँ पर रहेगा 52, तो हमें अब ऐसा नंबर यूज़ करना है कि मल्टीप्लिकेशन और एडिशन में मतलब 17 दे और इसको मल्टीप्लाई करने पर दे, एडिशन या सब्ट्रैक्शन में हमें 17 मिले और मल्टीप्लाई करने पर 52 आए, तो 52 का फैक्टराइजेशन करेंगे 26 13, इसमें यूज करेंगे 13 का, तो 13 और 4 ही आ रहा है क्योंकि इन्हीं से हम ऐड करके 17 बना सकते हैं और मल्टीप्लाई करने पर 52 आएगा, तो मैंने लिया एन स्क्वायर माइनस 3 13 एन माइनस 4 एन प्लस 52, तो एन की वैल्यू आएगी 2, उनका यूज़ कर सकते हैं, तो एन की वैल्यू आई है, एक सेकेंड, हम दोनों उनका यूज़ करेंगे, तो एन की एक वैल्यू आई है 13 और एक वैल्यू आई है 4, तो दिस इज़ द आंसर। आप ये दोनों, इन दोनों टर्म्स पे इसकी वैल्यू जो सम आ रहा था वो 78 था, तो ये दोनों आंसर है। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, तो थोड़ा बड़ा क्वेश्चन लूँ इस बार, तो मैं लिखती हूँ और सॉल्व करती हूँ, देन फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स
ऑफ द लिस्ट ऑफ नंबर्स हुज nth टर्म इज गिवन बाय. तो n टर्म दी हुई है, ए एन इज इक्वल टू 3 + 2n. अब हमें दिया है तो इसमें थोड़ा सा हमें अजम्पशन से स्टार्ट करना पड़ेगा. तो मैंने रखा है फर्स्ट, मतलब हमने रखा है पहले n की वैल्यू को 1, ताकि हमें फर्स्ट टर्म मिल जाए फिर हम नेक्स्ट सीरीज बना सके. तो मैंने 1 रखा, तो ए 1 इज इक्वल टू 3 + 2, एन की वैल्यू 1 रखी तो यहाँ पे भी 1 रखना पड़ेगा. तो 3 + 2 कितना आया, 5. ये ए 1 है, मैंने रखा एन की वैल्यू 2, तो 3 + 2 ये वैल्यू रखने पर 3 + 2 4, तो 7 आया. अब मैंने ए 3 निकाला, तो 2 × 3 3 + 6 तो क्या आया, 9. तो 5 7 9, तो एज अ टर्म हमारी एपी बनेगी. तो एपी है 5 7 9 11 एटसेट्रा, आगे बढ़ती जाएगी. तो इससे हमें फर्स्ट टर्म मिल गई, कॉमन डिफरेंस मिल गया हमें. ओके, तो अब हमें निकालना है, इसने बोला है 24 टर्म्स का सम निकालना है. सम का फॉर्मूला होता है SN ए प्लस टू ए प्लस सॉरी बीच में से काट दीजिए जी. तो ऐसे ठीक है. सो SN का फॉर्मूला होता है SN इज इक्वल टू एन अपॉन टू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. ओके, तो हमें n हमें निकालना है 24 टर्म्स का सम. तो हमने लिखा a इज 24 अपॉन टू 2, a दिया है हमें, a दिया है 5, तो 5 n हमें निकालना है, l दिया हुआ है 24 माइनस 1, d हमें मिलेगा 2, क्योंकि हम कॉमन डिफरेंस निकालेंगे. तो डायरेक्ट मैं यहाँ लिख देती हूँ 2 और a भी लिख देती हूँ ताकि कन्फ्यूज़न ना हो. सो सॉल्व करने पे आए यहाँ 12, ये 10 देगा वैल्यू और ये देगा 23 मल्टीप्लाई बाय 2, 10 प्लस 46 सो 12 और ये देगा हमें 56. ये मल्टीप्लाई होगा ब्रैकेट ओपन होते से ही, तो आएगा 12 6 = 72, 12 5 = 60, 60 प्लस 7 6 = 72. तो 24 सम ऑफ 24 टर्म्स क्या आएगा, 672. दिस इज द आंसर. I hope it will helpful for you. So, thank you so much.